स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज में। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, दोस्त की मां से प्यार, अब रेप में गिरफ्तार, किरायेदार बनकर आया, मांग भी भरी, फिर दूसरी लड़की से शादी की तो महिला पहुंची थाने। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 27 साल के एक लड़के को अपने दोस्त की 35 साल की मां से प्यार हो गया। लड़का किरायेदार बनकर महिला के घर रहने पहुंचा, करीब एक साल रहा, इस दौरान दोनों के बीच संबंध भी बने। लड़के के दोस्त को इसका पता चला तो उसके सामने महिला की मांग भर दी, लेकिन फिर युवक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसका पता महिला को चला तो वो थाने पहुंच गई। अब शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में लड़का जेल में है। दरअसल मामला कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक महिला की उसके पति से अनबन रहती थी, दोनों के बीच विवाद होता। उनके दो बच्चे हैं, 19 साल का लड़का और 16 साल की लड़की। बेटा शराब की दुकान में काम करता है। उसी दुकान में खोखसा निवासी रविकांत शर्मा भी काम करता था। महिला के बेटे और रविकांत में दोस्ती थी। दोस्त से परिवार के बारे में पता चला और फिर उसकी माँ और रविकांत में बातचीत शुरू हो गई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, बात बढ़ी तो दोनों के बीच प्यार का इजहार हो गया। इसके बाद रविकांत पिछले साल 14 फरवरी को किरायेदार बनकर दोस्त के घर पहुंचा और फर्स्ट फ्लोर पर रहने लगा। आरोप है कि वहां रविकांत और उसके दोस्त की माँ के बीच नजदीकियां बढ़ी। रविकांत ने प्यार और शादी का वादा किया, फिर शारीरिक संबंध बनने लगे। इस बात की जानकारी रविकांत के दोस्त और उसकी बहन को हुई। हंगामा बढ़ा तो रविकांत ने उनके सामने महिला की मांग भर दी। महिला का आरोप है कि उसे रविकांत के किसी अन्य लड़की से रिश्ते के बारे में पता चला था। उसने तब भी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन रविकांत ने उसके बेटे की हत्या कर खुदकुशी की धमकी दी। साथ ही दोनों के बीच बने संबंधों की फोटो वायरल करने को लेकर धमकाया। इससे वो डर गई, लेकिन जब रविकांत ने दूसरी लड़की से शादी कर ली तो अब वो थाने आई है। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार को रविकांत को गिरफ्तार कर लिया है।